नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे दुनिया के सबसे अजीब जनजाति दानी ट्राइब के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द क्यूरियस कीड़ा को सब्सक्राइब करें और आगे की जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जी हाँ, दुनिया से बेखबर ये जनजाति बहुत ही अजीब है। ये एक ऐसी जनजाति है जो अपने परिजनों के मरने के बाद उन्हें घर में सजाकर रखती है। मृत्यु के बाद हर किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है और हर धर्म में अंतिम क्रिया के अलग अलग तरीके हैं और इन परंपराओं का पालन सदियों से चलता आ रहा है। कोई दाह संस्कार के जरिए अंतिम क्रिया करता है तो कोई कब्रिस्तान में शरीर को दफन करता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं, यानी कि कुछ ऐसी भी जनजातियां हैं जो ना तो शव का दाह संस्कार करते हैं और ना ही उसे दफनाते हैं। ये लोग शव के साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसके बारे में जानकर कोई भी आम इंसान हैरान हो जाएगा। ये एक जनजाति है जो अपने परिजनों के मरने के बाद उन्हें घर में सजा कर रखती है। जी हाँ, ये शवों को दफनाती या जलाती बिल्कुल नहीं है। इस जनजाति को दानी ट्राइब यानी कि दानी जनजाति के नाम से जाना जाता है और ये जनजाति न्यू गिनी में रहते हैं जहाँ वो पापुआ के पहाड़ों के बीच रहते हैं। इस जनजाति की दाह संस्कार को लेकर अलग ही नियम कानून है और सालों से ये उसी परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। दानी ट्राइब में जैसे ही किसी महिला के पति की मौत होती है उसकी उंगलियां काट दी जाती हैं। इस दर्दनाक और अमानवीय प्रथा के पीछे इनका मानना है कि ऐसा करने से मरने वालों की आत्मा को शांति मिलती है। महिलाओं की उंगली को काटने से पहले उनकी उंगली में धागा बांध दिया जाता है और इसके बाद उनकी उंगली कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको बताया दानी ट्राइब के बारे में और अब आप जान गए होंगे कि दानी ट्राइब क्या है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पृथ्वी पर मौजूद अब तक की तीन सबसे अजीब जनजाति के बारे में। जी हाँ, नंबर एक, जुलू जनजाति। हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, यानी कि जुलू जातीयता के बारे में, क्योंकि ये लगभग 10 मिलियन लोगों से बना है। ये मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका के प्रांत की रहने वाली जनजाति है। अब आपको बता दें कि जुलू जनजाति का महत्व इस तथ्य से दिया जाएगा कि वे 1879 में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने में सक्षम थे। वे हार गए लेकिन उन्होंने यूरोपीय लोगों को पतन के कगार पर ला दिया। इसके बजाय ये वे हैं जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता खो दी और इसे फिर से हासिल नहीं किया और आखिरकार उनके डांस करने का तरीका मशहूर हो गया। इसीलिए ये जनजाति अजीब है क्योंकि इस जनजाति के डांस करने का तरीका अजीबोगरीब है जो कि मशहूर हो गया, जिसमें वो कांपने लगते हैं। नंबर दो, मुरसी जनजाति, जो कि पिछले एक की तुलना में बहुत कम है क्योंकि इसमें लगभग 9000 व्यक्ति ही है। ये जनजाति मूल रूप से है इथियोपिया के और विशेष रूप से सेंट्रल ओमो क्षेत्र से है। निश्चित रूप से आपने उसके बारे में एक रिपोर्ट देखी होगी और आप उसे पहचान ही लेंगे क्योंकि वे आमतौर पर अपने होठों और कानों में मिट्टी की प्लेट लगाते हैं। मुरसी जनजाति मवेशियों का बहुत सम्मान करता है। एक मवेशी को मारने के लिए वे एक तीर मारते हैं जहां उन्हें लगता है कि इससे कम से कम दर्द होता है। फिर वे उसका खून पीते हैं और उसमें स्नान भी करते हैं क्योंकि वे इसे कायाकल्प करने वाला मानते हैं। तो आपने देखा ना कि कितना अजीब है ये मुरसी जनजाति। नंबर तीन, मसाई जनजाति। जी हाँ, मसाई दक्षिणी केन्या और उत्तरी तंजानिया में निवास कर रहे हैं। अर्ध खानाबदोश लोगों का एक नीलोटिक जातीय समूह है। ये जनजाति मुख्य रूप से अफ्रीका में पाई जाती है। मसाई जनजाति के लोग किसी की मौत के बाद उसका शव ना तो दफनाते हैं और ना ही जलाते हैं, बल्कि शव को खुले में छोड़ देते हैं। इनका मानना है कि जमीन में शव दफनाने से जमीन खराब हो जाती है। अब आपको बता दें कि मसाई जनजाति खाने के लिए दूध और मीट से लेकर कुछ खास मौकों पर जानवरों के खून का भी इस्तेमाल करते हैं। किसी की डिलीवरी या खतना के वक्त इनके परिवार जिंदा जानवरों का खून पीते हैं। तो कितने अजीब है ना ये मसाई जनजाति, जो कि किसी खास मौके पर जिंदा जानवरों के खून पीते हैं। दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो में पृथ्वी के सबसे अजीब जनजातियों के बारे में जाना। इसी तरह और भी बहुत अजीबोगरीब और खतरनाक जनजातियां पृथ्वी पर मौजूद हैं।
अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो इसी तरह और भी रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल द क्यूरियस कीड़ा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बगल बनी बेल आइकॉन की बटन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। थैंक यू।